प्रसाद गौतम है तो मंच पर बैठे हुए तमाम पदाधिकारी और प्रोत्साहन, आज बड़ी खुशी का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। उस अवसर पर सभी अपना विचार रखे जो अहम है, आज भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल कर हम उस विश्व युद्ध को देख सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया वो रास्ता एक ऐसा मध्यम मार्ग है जिसमें सभी प्राणी एक साथ रहकर मिलकर और युद्ध को पाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो उसमें हालात हो रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है, और जो भारत में हालात है वो भी आपके सामने है। अभी हाल ही में जी इतनी रही, उससे पहले नोटबंदी हुई जिससे लोगों में क्राउड है मच गई, आज पुनः जीएसटी लगी, उसका रेट भी इतना बड़ा है कि 100 रुपए में 28 रुपए आपके देर में से चले जाएंगे, 18 रुपए देर में से चले जाएंगे। ये कैसी बदलना है, ये कैसी करता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं तक। आज दिल्ली के तमाम मजार, भारत के तमाम मजार सारे व्यापार बंद होने के कगार पे हैं। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कब तक चलेगा? सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, जीएसटी को कम कर देना चाहिए, जीएसटी को 5% कर देना चाहिए, आकर को 5% कर देना चाहिए, जिससे सुखी 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 सारे लोग जीएसटी और कर देने को तैयार हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार आपकी से बैठी है, उनको बताया कि लोगों के साथ बहुत पैसा है, धरना क्षेत्रों के साथ बहुत पैसा है, अभी करोड़ों रुपये निकल रहा है, पुराने रुपये से निकल रहे हैं, नए लोगों से रुपए भी जो हमारे जमा करती हैं। अभी हाल ही में 2000 के नोट भी बंद हो गए और ATM से निकल नहीं रहे, बहुत कम निकल रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जनता अगर आगे बढ़ गई तो क्या होगा। अभी हाल ही में 2 तारीख को हमारे जो SC ST पर जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ देश में भारत बंद हुआ, जब भारत बंद हुआ तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया शुरू की और अपना आंदोलन स्टार्ट किया, मगर जगह जगह अलवर में, राजस्थान में, जयपुर में, यूपी में, आगरा में जगह जगह आंदोलन हुए, तो वहां पर लोगों को पकड़ लिया गया, पहले से 400-500 आदमी बंद कर दिए, घरों में जाकर उनको निकाल कर लाए, उनके माँ बाप को लेकर हुए और उनको यातना दी और उनको जेल में बंद कर दिया। ये क्या सरकार है? आंदोलन करने का किसी को अधिकार नहीं है क्या? आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर ये जुल्म कैसा, जुल्म को मिटाने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आपको एकजुट होकर अपनी बात को रखना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा और आपको एक वोट देने का अधिकार बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, उस अधिकार को ना भूलें, उस अधिकार का सेवन करें तो पुनः सरकार बदल जाएगी, पुनः आपकी दुनिया बदल जाएगी, भगवान बुद्ध का मार्ग आपके सामने आ जाएगा। जब भगवान बुद्ध का मार्ग सामने आएगा तो हम सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, हमारे परिवार सुखी रहेंगे, हमारे सब लोग सुखी रहेंगे। मैं आज पुनः अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, जय भीम।
life.